सावन मास का पहला दिन, मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भीड़, उज्जैन महाकाल की पहली भस्म आरती, सीएम योगी ने गोरखनाथ में किया अनुष्ठान। सावन का महीना भोलेनाथ के प्रति अपार श्रद्धा और आस्था का प्रतीक माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार एक नहीं दो सावन होंगे, जिससे भोलेनाथ के भक्तों में अपार खुशी की लहर है। इस बार सावन में भोलेनाथ के साथ भगवान विष्णु का भी आशीर्वाद भक्तों को प्राप्त होगा। वहीं सावन का पवित्र मास दुर्लभ संयोगों को संजोकर आ रहा है। आज से सावन मास की शुरुआत हो गई है। आपको बता दें कि भगवान शिव को समर्पित इस माह में भक्त शिव की आराधना करते हैं। शिव भक्त इस महीने तीर्थ स्थलों पर जाकर गंगा जल चढ़ाते हैं और शिवालयों पर गंगा जल चढ़ाया जाता है। सावन के महीने में व्रत का भी महत्व है। आपको बता दें कि आज सावन मास का पहला दिन है और देश भर के शिवालयों में यानी कि शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। देश भर के शिवालयों से सुबह सुबह की तमाम तस्वीरें सामने आई, जिसमें भक्त बाबा भोलेनाथ के आशीर्वाद के लिए उनको जल चढ़ाने के लिए लंबी कतारों में दिखाई दिए। इस बीच मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर मंदिर में भी सुबह से ही भक्तों ने बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए कतारों में लगना शुरू कर दिया। इस दौरान लंबी कतारें भी देखी गई। साथ ही आपको बता दें कि बाबा भोलेनाथ के महाकालेश्वर मंदिर में सावन मास के पहले दिन की भस्म आरती भी हुई, जिसके बाद भक्तों ने बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद लिया। इसके अलावा गोरक्ष पीठाधीश्वर एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रावण मास की शुरुआत पर मंगलवार की सुबह जल कल्याण के लिए रुद्राभिषेक किया। इसके बाद उन्होंने वहां हवन भी किया। एक घंटे तक चले अनुष्ठान में उन्होंने आम के रस, 11 लीटर दूध, जल, दही, घी, शक्कर, शहद, गंगा जल, गन्ने के रस से महादेव भगवान का अभिषेक किया। उन्होंने बेलपत्र, सफेद कमल, लाल कमल, कनेर, शमी पत्र, दूब, कुशा, राई, गुड़हल, धतूरा, भांग और श्रीफल भी चढ़ाया। यानी कि उन्होंने पूरे अनुष्ठान और विधि विधान के साथ भगवान की पूजा अर्चना की। रुद्राभिषेक अनुष्ठान की शुरुआत भगवान गणेश की पूजा अर्चना के साथ हुई। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भगवान शिव और द्वादश ज्योतिर्लिंग के पूरे विधि विधान के साथ पूजन को सम्पूर्ण किया। यही नहीं, हरिद्वार, देवघर, सोमनाथ, केदारनाथ व भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में स्थित तमाम मंदिरों समेत देश भर के तमाम शिवालयों से तमाम तस्वीरें सामने आई, जिसमें भक्त बाबा भोलेनाथ को खुश करने के लिए लगातार मंदिर पहुंच रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली में भी भक्त सुबह सुबह मंदिर में पहुंचे, जहां सावन के पहले दिन भक्तों ने चांदनी चौक में स्थित गौरी शंकर मंदिर समेत तमाम मंदिरों में जाकर के भगवान की पूजा अर्चना की। आपको बता दें कि आध्यात्मिक दृष्टि से सावन मास के महीने को अलग ही महत्व माना जाता है। सावन के महीने में भगवान महादेव की पूजा अर्चना की जाती है। जो भी भक्त भगवान के सोमवार को पूरी श्रद्धा के साथ व्रत रखते हैं, महादेव उनकी आराधना को भी पूरा करते हैं, साथ ही उनकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। इस साल अधिक मास के कारण सावन का महीना 58 दिन तक चलेगा। सावन महीने की शुरुआत आज यानी कि 4 जुलाई से हो गई है। साथ ही आपको बता दें कि श्रावण मास का समापन 31 अगस्त को होगा। इसी दौरान कई त्योहार भी मनाए जाएंगे और रक्षाबंधन का त्योहार भी 30 अगस्त को मनाया जाएगा। बहरहाल इस साल श्रावण मास में 8 सोमवार होंगे और भक्तों के पास बाबा भोलेनाथ को खुश करने के लिए और अधिक दिन हो गए हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप जो कुछ राय रखते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।